हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब की न्यू वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे टीडीए 2030 आईसी की हीटिंग के बारे में। अगर आपने कभी होम थिएटर रिपेयर किया या फिर इस आईसी को लेकर सर्किट बनाया तो ये प्रॉब्लम आप जरूर फेस किए होंगे कि ये आईसी बहुत ही ज्यादा हीट होता है। वैसे ये आईसी थोड़ा सा तो गर्म होता है, वो नॉर्मल है, हीट सिंक लगाने से वो नॉर्मल हो जाती है। और किसी किसी केस में ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है कि ये चालू करने से 5 या 10 सेकंड में बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है, तब हाथ भी नहीं लगा पाते हैं। हीट सिंक लगा हुआ फिर भी बहुत ज्यादा हीट रहता है, तो इसी प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जड़ से इसकी प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम ओरिजिनल आईसी में नहीं आता है। ओरिजिनल बोर्ड या आईसी अगर है आपके पास तो इसमें यह प्रॉब्लम जरूर नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपने मार्केट से डुप्लीकेट वाला बोर्ड खरीदा या फिर डुप्लीकेट आईसी लगाकर इस बोर्ड को चालू किया तो आपका ये प्रॉब्लम आ सकती है। और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया जब मैं एक फ्रेंड के पास से एक होम थिएटर का बोर्ड लाया और उसमें 2 आईसी खराब था, उन दोनों को चेंज करके मेरा होम थिएटर जब असेंबल कर रहा था तब ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद मैंने ओरिजिनल आईसी लगाया और वो ठीक हो गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये डुप्लीकेट आईसी का प्रॉब्लम है, ओरिजिनल आईसी में ये प्रॉब्लम नहीं रहता है। दोस्तों सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं, डुप्लीकेट आईसी में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में। चाइनीज मैन्युफैक्चरर क्या करती है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाती है और उसको कम कम दाम में सेल करती है और मार्केट में ज्यादा शेयर ले लेती है। तो ओरिजिनल आईसी मिलना भी कभी कभी बंद हो जाता है, और मिलता है तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर ये प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। तो इस आईसी के लिए भी कुछ ऐसा ही सीन है, ओरिजिनल आईसी बहुत ही कम मिलता है, ज्यादा मिलता नहीं, और मिलता है तो भी बहुत दाम पे बिकता है। तो डुप्लीकेट आईसी मिलता है ₹15 पर पीस, ओरिजिनल आईसी मिलता है ₹50 से ₹60 पर पीस। और सिर्फ आईसी ही नहीं, बोर्ड के लिए भी सेम सीन है, डुप्लीकेट बोर्ड भी आता है। तो वो पता करने के लिए आपको बहुत ही यूजफुल एक ट्रिक बता देता हूँ। जो डुप्लीकेट बोर्ड होगा उसमें इस आउटपुट की साइड में 2 पावर रेजिस्टर देखने को मिलेगी, थोड़ा सा मोटा मोटा रेजिस्टेंस 2 ओम या 1 ओम की मिलेगी। वो क्या करती है, बस आउटपुट को शॉर्ट सर्किट से बचाती है। अगर आपने गलती से आउटपुट का तार को शॉर्ट कर दिया तो ये आईसी को जलने से बचाएगी और वो रजिस्टर खुद जल जाएगी। लेकिन ओरिजिनल बोर्ड में ये नहीं होता है, क्योंकि ओरिजिनल आईसी जो है इसके अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन बिल्ट इन होता है। ओरिजिनल बोर्ड में अगर आप इसके आउटपुट को शॉर्ट कर देते हैं तो ये आईसी अंदर से ही कनेक्शन को काट देती है और ये आगे करंट प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन डुप्लीकेट आईसी में ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन शायद नहीं दिया हुआ रहता है, इसीलिए इस बोर्ड में वो रजिस्टर लगाया जाता है। इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ती है साउंड क्वालिटी में। अगर आपने बहुत ज्यादा साउंड को बढ़ा दिया तो वो रजिस्टर थोड़ा सा वोल्टेज को डाउन करता है, तो आपका फुल वॉल्यूम आपको नहीं मिल पाता है। तो ये रजिस्टर को देख के आप चेक कर पाएंगे कि ये बोर्ड ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, लेकिन आईसी को देख के कैसे आप पता करेंगे, तो आइए देखते हैं। दोस्तों ये है डुप्लीकेट आईसी और ये है ओरिजिनल आईसी, कुछ फर्क नजर आ रहा है। यस, ये पिन का थिकनेस का फर्क नजर आ रहा है। देखिए इसकी पिन बहुत ही पतली है, लेकिन इसकी पिन बहुत ही मोटा मोटा तगड़ा पिन दिया हुआ है। लेकिन किसी किसी केस में आप इसको भी पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भी ओरिजिनल आईसी है, इसकी पिन भी इसके तरह लगभग सेम ही है। लेकिन अगर आप इन दोनों को हाथ में लेके चेक करेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा, इसकी पिन बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और ये इसकी पिन बहुत ही सॉफ्ट होती है। ओके, तो इन सब को देख के आप पता कर सकते हैं ओरिजिनल या डुप्लीकेट है। मार्केट में जो मिलता है ज्यादातर डुप्लीकेट ही होता है। दोस्तों इस बोर्ड में भी देखिए इसकी पिन कितना मोटा मोटा है। तो डुप्लीकेट और ओरिजिनल को पास में रखेंगे तो ये पता चल जाएगा कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा ओरिजिनल है। और दोस्तों ओरिजिनल और डुप्लीकेट की साउंड क्वालिटी में कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आता है। तो आइए दोस्तों आपको एक अच्छा ट्रिक बताता हूँ जिसके चलते आप पूरा कन्फर्म हो पाएंगे कि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। तो आइए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन 4 आईसी को लेकर मैं चेक करूंगा कौन सा डुप्लीकेट कौन सा ओरिजिनल है। दोस्तों आपको एक 12 वोल्ट की लाइन ले लेना है और इसको देके आईसी को टेस्ट करना है कितना करंट ये ले रहा है। तो इसलिए मल्टीमीटर को करंट मोड में कॉन्फ़िगर कर लीजिए और उसके बाद इसकी पिन में वोल्टेज देके आप चेक करेंगे कि ये कितना मिली एम्पियर करंट लेता है जब ये किसी सर्किट में लगा नहीं है, कुछ भी काम ये नहीं कर रहा है, बस ये आईसी खुद चलने के लिए कितना करंट लेता है। तो ये है ओरिजिनल आईसी, देखिए इसकी पिन बहुत ही तगड़ा है। तो इसको देखे हम चेक करते हैं। तो ये जो तार आ रहा है ये बैटरी से आ रहा है मेरा यूपीएस का, और ये जो तार जा रहा है ये एक लाइट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। तो इसकी जो है ये टेप लगा हुआ साइड ये है ब्लैक यानी नेगेटिव, और ये है आपका पॉजिटिव साइड। ओके, तो नेगेटिव साइड को हीट सिंक में देख सकते हैं डायरेक्ट, ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होती है और पॉजिटिव पिन होता है इसकी 5 नंबर की यानी इस तरफ की लास्ट की पिन। ओके, तो इस
मल्टीमीटर को हम देख के चेक करते हैं कि ये आईसी कितना करंट लेता है। तो देखिए 0.01 एम्पियर, दैट मीन्स 10 मिली एम्पियर करंट ये ले रहा है जब ये ऑन है, तो ये ओरिजिनल वाला है। ओके, अब डुप्लीकेट को देखते हैं, सेम तरीके से टेस्टिंग करेंगे डुप्लीकेट को भी। ओके, अब देखिए ये 1 एम्पियर जैसा करंट ले रहा है और ये बहुत ज्यादा हीट हो जा रहा है, लेकिन ये किसी भी सर्किट में लगा नहीं, इसको स्पीकर के साथ भी लगाया नहीं है, तो यही प्रॉब्लम होती है। ओके, अब दूसरा देखते हैं इसको, ये भी डुप्लीकेट है, ये भी सेम है। बहुत ज्यादा गर्म है, इसको देखते हैं। ओके, ये भी ओरिजिनल है, देखिए। ओके, तो आइए दोस्तों इस बोर्ड की करंट कंसम्पशन देखते हैं। इसमें 3 आईसी लगा हुआ है, जितना करंट लेगा वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये सब पैरेलल में लगा हुआ है, तो अगर 1 में 1 एम्पियर लेता है तो ये 3 में 3 एम्पियर लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट है। तो दोस्तों इसमें मैं 12 वोल्ट का इनपुट दूंगा जो कि डीसी इनपुट होगी, इसको मैं एसी की लाइन में ही पुट करूंगा क्योंकि इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, वो डीसी को पास कर देता है और एसी को डीसी करके पास कराता है। तो अगर आपको ब्रिज रेक्टिफायर को लेके कुछ नॉलेज है तो आप मेरा लॉजिक को पकड़ पाएंगे। ओके, तो इसके बीच में है ये ग्राउंड, तो ग्राउंड में मैं नहीं दूंगा क्योंकि ग्राउंड का कनेक्शन इस आईसी की पावर लाइन में नहीं जाता है, वो ग्राउंड इस बोर्ड में ही चारों तरफ फैला हुआ रहता है, लेकिन आईसी की पावर लाइन में नहीं जाता है, पावर लाइन में ओनली जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो मैं इन दो साइड के दो पिनों में डीसी इनपुट को दूंगा और देखूंगा मल्टीमीटर में कितना ये करंट दिखाता है। ओके, देखिए 0.09। ओके, दैट मीन्स क्या हो गया, ये 80-90 मिली एम्पियर जैसा करंट ले रहा है, जबकि यहाँ पे 3 20-30 आईसी है, साथ में एक 45-58 आईसी है और कुछ कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह है, इसलिए करंट कंसम्पशन थोड़ा सा ज्यादा है। ये 90 मिली एम्पियर ले रहा है और कहा 90 मिली एम्पियर और कहा 900 मिली एम्पियर यानी 1 एम्पियर, तो ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पता आपको लग गया होगा। अब ये सवाल उठती है कि इन चारों में से चारों ही फंक्शनिंग है, दैट मीन्स ओके है या फिर कोई खराब है, तो आइए टेस्ट करते हैं, नहीं तो आपको ये क्लियर नहीं होगा। अगर खराब आईसी है तो इसलिए करंट नहीं ले रहा है, ये भी हो सकता है, तो आइए आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, इन आईसी को चेक करने के लिए मैंने एक सेटअप बनाया जहाँ पे एक 5.1 बोर्ड को लिया, इसके अंदर जितना भी आईसी था मैंने खोल लिया और एक सॉकेट लगा दिया जहाँ पे इस आईसी को मैं फिट कर सकूँ। ओके, ये आईसी यहाँ पे फिट हो जाएगी, 5 होल है इसके लिए। इसके अंदर एक ब्लूटूथ हेडफोन से इनपुट दे दिया लाइन और एक स्पीकर लगा दिया और एक 12012 का इनपुट यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफार्मर से। ओके, तो अब आइए एक एक आईसी को लगाकर चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। ओके दोस्तों, ये आईसी काम कर रही है, ये ओरिजिनल था। ओके, ओरिजिनल, अब एक डुप्लीकेट लगा के देखते हैं। कनेक्ट नहीं हो रहा है ठीक से, ओके देखिए ये भी बज रहा है, तो ये डुप्लीकेट था, काफी हीट हो चुका है। ओके, ये भी काम कर रहा है, ये डुप्लीकेट था। ओके, आप एक ओरिजिनल बचा, इसको लगा के देखते हैं। ओके, ये भी काम कर रहा है, तो ये चारों आईसी काम कर रहा है, तो ये वीडियो फेक नहीं है। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा ओरिजिनल आईसी ही आप खरीदे, क्योंकि डुप्लीकेट खरीद के जो 20-50 रुपया आपका बच रहा है वो आपका बिजली के बिल में चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करंट लेता है डुप्लीकेट वाला। तो दोस्तों फाइनली हमने क्या सीखा इस वीडियो में, अगर आपका आईसी डुप्लीकेट है तो ये हीटिंग प्रॉब्लम आएगी, इसका कोई सलूशन आपके हाथ में नहीं है। आप ये कर सकते हैं, एक ओरिजिनल आईसी लगाकर चेंज कर सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ओके, तो ओरिजिनल आईसी मिलेगा कहाँ पे आपको, तो कोई भी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक शॉप यानी जो होलसेल इलेक्ट्रॉनिक शॉप होता है उन पर जाइए,
उनको बोलिए कि ओरिजिनल आईसी मेरे को खरीदना है, कितना प्राइस बताओ। ओके, तो ओरिजिनल आईसी वो आपको दे सकता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप रिपेयरिंग शॉप पे जाइए, वहां पर उनके पास बहुत सारा ऐसा ओरिजिनल चेंज किया हुआ बोर्ड रहता है। तो आप उनके पास जाइए और बोलिए कि पुराना बोर्ड से आईसी खोल के मेरे को दो। तो पुराना बोर्ड का जो आईसी होता है, दैट मीन्स जो होम थिएटर के साथ ओरिजिनल आता है, वो बोर्ड अगर किसी ने चेंज किया, उसके अंदर का आईसी हमेशा ओरिजिनल होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताना। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना। और दोस्तों, ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल की वीडियोस को आप चेक कीजिए। इस चैनल की जितना भी वीडियोज है, वो सभी के सभी आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सिखाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।